Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. वैंकूवर में एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक हो गया। एविएशन हुकाम की जानिब से तहकीकात जारी है। कनाडा में चीनी सफारतखाने की जानिब से कहा गया है कि चीन में कैद दो कैनेडियंस के मामले पर कुछ सियासतदान गलत रिमार्क्स दे रहे हैं। क्यूबेक की पुलिस का 31 सफात पर मुश्तमिल फैसला, मॉन्ट्रियल में एक सियाह फाम शख्स की गिरफ्तारी को तासुबाना अमल करार दे दिया। मॉन्ट्रियल में एक बार के बाहर फायरिंग, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में शदीद धुंध, 60 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। मौसम की खराबी और तूफान फैबीन के बाइस जनूबी फ्रांस और कोर्सिका के दरमियान फौरी तौर पर परवाजें मनसूख कर दी गईं। अमरीकी रियासत लॉस वेगास में अपार्टमेंट में आतिजदगी के नतीजे में 6 अफराद हलाक, 13 जख्मी हो गए, 5 की हालत तश्वीशनाक बताई जा रही है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं। स्वामी काशी गुरु जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव्ड वंस। ही इज स्पेशलाइज्ड टू सॉर्ट आउट जनरेशन कर्सेस एंड एनी प्रॉब्लम विद इन 48 आवर्स। आपके डिप्रेशन, फैमिली कोर्ट प्रॉब्लम्स और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं। स्वामी काशी गुरु जी से राब्ता कीजिए 6477656311 6477656311 एड्रेस 565 मार्कम रोड, स्कारब्रो। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कनाडा के साहिली इलाके वैंकूवर में एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में पायलट की मौत वाकई हो गई। मज़ीद जानते हैं रिपोर्ट में। कनाडा के साहिली इलाके वैंकूवर में एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में पायलट की मौत वाकई हो गई। बैन अलावा खबर रसा इदारे के मुताबिक, तैयारे ने कनाडा के साहिली शहर वैंकूवर से कोर्नेटी के लिए परवाज भरी थी। तहम परवाज के कुछ ही देर बाद तैयारे का राबता मुनकता हो गया। रेस्क्यू इदारे के सर्च ऑपरेशन के दौरान तैयारे का मलबा वैंकूवर जजीरे के एक शहर ननायमो से मिल गया। रेस्क्यू इदारे के तर्जुमान का कहना है कि तैयारे के मलबे से एक शख्स की लाश भी मिली है, जो तैयारे का पायलट हो सकता है। तहम इस हवाले से मालूमात नाकाफी हैं। हादसे का शिकार होने वाला तैयारा केसना 172 है और इसमें 4 मुसाफिर के बैठने की गुंजाइश होती है। सिविल एविएशन के हुकाम ने बताया कि तैयारे में कितने मुसाफिर मौजूद थे और हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त से मुतालिक मालूमात जमा की जा रही हैं। हादसे की वजूहात का तायुन करने के लिए एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कुछ बात करेंगे कनाडा में चीनी सफारतखाने की वेबसाइट पर जारी बयान में किसी सियासतदान का नाम नहीं लिया गया। ताहम ये कहा गया है कि कैनेडियन सियासतदान चीन के हवाले से गलत रिमार्क्स दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में चीनी सफारतखाने की जानिब से कहा गया है कि चीन में कैद दो कैनेडियंस के मामले पर कुछ सियासतदान गलत रिमार्क्स दे रहे हैं। चीनी सफारतखाने की वेबसाइट पर जारी बयान में किसी सियासतदान का नाम नहीं लिया गया। कैनेडियन मीडिया की जानिब से कहा गया है कि इससे वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले इंटरव्यू की हौसला अफजाई हुई है। इंटरव्यू के दौरान ट्रूडो का कहना था कि उन्होंने अमरीका से मुतालबा किया है कि वो चीन के साथ तब तक आज़ाद तजारती मुआहदा ना करें जब तक वो दो कैनेडियंस माइकल कोवरिक और स्पोर को रिहा नहीं कर देते। सफारतखाने की जानिब से कहा गया है कि मेगाफोन डिप्लोमेसी के जरिए चीन पर दबाव डालने की हर कोशिश नाकाम हो गई। बयान में कनाडा से चीनी कंपनी के अहदेदार को रिहा करने का भी मुतालबा किया गया है।
कुछ बात करेंगे क्यूबेक की पुलिस की एथिक्स कमेटी की जानिब से दो पुलिस अहलकारों के खिलाफ फैसला सुनाया गया है। एथिक्स कमेटी ने सियाफाम शख्स की गिरफ्तारी को तासुब पर मबनी अमल करार दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक की पुलिस की एथिक्स कमेटी की जानिब से फैसला दिया गया है कि मॉन्ट्रियल पुलिस की जानिब से दो साल कबल एक सियाफाम शख्स की गिरफ्तारी तासुब को फरोग देने के मुतरादिफ है। पुलिस की जानिब से दो अहलकारों पर अखलाकियात की खिलाफ वर्जी पर 16 इल्जाम आयद किए गए हैं। 31 सफात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है कि केंड्रिक मिक्री की गिरफ्तारी हिरासत में रखे जाना और इसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल गैर कानूनी था। मिक्री की जानिब से कहा गया है कि ये मेरे क्रिसमस का बेहतरीन तोहफा है। कुछ बात करेंगे, मॉन्ट्रियल पुलिस एक बार के बाहर फायरिंग की तहकीकात कर रही है। बार के अंदर बहुत से लोग मौजूद थे, ताहम किसी के जख्मी या हलाक होने की कोई इत्तला नहीं है। मजीद जानते हैं रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल पुलिस एक बार के बाहर फायरिंग की तहकीकात कर रही है। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि विलियम मैकडोनल्ड स्ट्रीट पर वाके बार के बाहर एक फायर की आवाज सुनी गई। 9 बजे के करीब पुलिस को इत्तला मौसूल हुई। बार के अंदर बहुत से लोग मौजूद थे, ताहम किसी के जख्मी या हलाक होने की कोई इत्तला नहीं है। पुलिस की जानिब से वाके के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी गई है। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में धुंध के बाद मोटरवे पर 60 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में 35 अफराद जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में धुंध के बाद मोटरवे पर 60 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में 35 अफराद जख्मी हो गए। ट्रैफिक हादसा वर्जीनिया के शहर विलियम्सबर्ग के करीब इंटर स्टेट हाईवे 64 पर मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे पेश आया, जिसके नतीजे में 35 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत तश्वीशनाक बताई गई है। मुकामी पुलिस ने बताया कि हादसा मुमकिन तौर पर धुंध की वजह से पेश आया। कई घंटों की मेहनत के बाद ट्रैफिक हुक्काम ने सड़क को दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिया। जनूबी फ्रांस में तूफान फैबीन की वजह से होने वाली मूसलाधार बारिशों और हवाओं ने क्रिसमस की तातील से कुछ दिन पहले ही परवाजों का शेड्यूल मुतासिर कर दिया, जबकि जजीरा कोर्सिका को महसूर करके रख दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम की खराबी और तूफान फैबीन के बायस जनूबी फ्रांस और कोर्सिका के दरमियान फौरी तौर पर परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। तूफान फैबीन की वजह से होने वाली मूसलाधार बारिशें और हवाओं ने क्रिसमस की तातील से कुछ दिन पहले ही परवाजों का शेड्यूल मनसूख कर दिया, जबकि जजीरा कोर्सिका को महसूर करके रख दिया। रनवे पर तुगयानी के बायस अजाक्सियो का हवाई अड्डा बंद है, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक फ्रांसीसी जजीरे के मगरबी साहिल पर वाके हवाई अड्डे पर शदीद सैलाब की पेशगोई की गई है। कोर्सिका के एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता इतवार 50 परवाजें मनसूख कर दी गयी, जबकि एक प्रेस रिलीज के मुताबिक कोर्सिका के शुमाली एयरपोर्ट पर परवाजों को फाल बनाने के लिए काम जारी है। एयरपोर्ट्स की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में बताया गया है कि हाउस कार्सेस में बैस्ट्रिया से फ्रांस और बेल्जियम के लिए 51 परवाजें शामिल करने पर काम जारी है। कुछ बात करेंगे, लास वेगास में अपार्टमेंट में खौफनाक आतिशबाजी के नतीजे में 6 अफराद हलाक और 13 जख्मी हो गए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत लास वेगास में अपार्टमेंट में खौफनाक आतिशबाजी के नतीजे में 6 अफराद हलाक और 13 जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आतिशबाजी के नतीजे में कुछ शहरियों ने इमारत से जान बचाने के लिए छलांग लगाई, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुए। हादसे में जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ 5 जख्मियों की हालत तश्वीशनाक बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड का कहना है कि आतिशबाजी के नतीजे में 30 से 35 अफराद बेघर हो गए और जनूबी नेवाडा रेड क्रॉस के मुताबिक रेस्क्यू अहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इसी के साथ ही टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी।